झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है। पहले से ही सरकार गिराने के मुद्दे पर सियासी संग्राम चल रहा है और अब झारखंड की सरकार के ऊपर धार्मिक तुष्टिकरण का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी ने इस आरोप के साथ बड़ा आंदोलन करने की भी धमकी दी है। इससे झारखंड में सियासी घमासान और तेज हो गया है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन वाली सरकार ने एक ऐसा काम किया है जिससे प्रदेश में राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड विधानसभा के भीतर एक कमरे को नमाज हॉल में तब्दील कर दिया है। इसके कारण प्रदेश की सियासत में भूचाल आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अब मांग की है कि अगर विधानसभा परिसर के भीतर नमाज पढ़ने के लिए जगह की व्यवस्था की जा सकती है, तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई जगह या फिर हनुमान मंदिर की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती। दरअसल झारखंड विधानसभा के उपसचिव नवीन कुमार ने एक अधिसूचना जारी की है। इसमें विधानसभा परिसर के एक कमरे को नमाज पढ़ने के लिए आरक्षित रखा गया है। इस अधिसूचना में विधानसभा स्पीकर के आदेश का जिक्र किया गया है। इस आदेश में विधानसभा के कमरा नंबर TW 348 को नमाज पढ़ने के लिए आरक्षित किया गया है। इस आदेश के सार्वजनिक होने के बाद से विवाद और गहरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने जहां इसे लोकतंत्र का अपमान बताया, तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने विधानसभा परिसर के भीतर मंदिर बनाने की मांग कर डाली। भाजपा के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तो राज्य भर में इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अब स्पीकर के इस आदेश ने झारखंड की सियासत में एक नया मोड़ पैदा कर दिया है। झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार है। इस सरकार को 47 विधायकों का समर्थन है, जिसमें झामुमो के 30, कांग्रेस के 16 और राजद के 1 विधायक हैं। कांग्रेस में पहले से ही बगावत चल रही है। यहां तक कि कांग्रेस के 4 विधायक तो दिल्ली तक पहुंच गए, पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पिछले दिनों झारखंड में कांग्रेस के 11 विधायकों के बागी होने का मामला सामने आया था। कांग्रेस के 1 विधायक का तो यहां तक दावा है कि उन्हें सरकार गिराने के बदले मंत्री पद के साथ साथ पैसे का ऑफर भी दिया गया है। ऐसे में झारखंड की सरकार के ऊपर पहले से ही खतरा मंडरा रहा है। और अगर नमाज के मुद्दे पर भाजपा ने आंदोलन खड़ा किया तो कांग्रेस के विधायकों के टूटने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के लिए बहुमत बनाए रखना एक चुनौती साबित होगा, क्योंकि अगर बहुमत साबित करने की नौबत आई तो न केवल कांग्रेस बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी टूट सकते हैं और फिर हेमंत सोरेन के लिए सरकार बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।